Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Asia's largest sewage treatment plant. So jo Asia ka largest sewage treatment plant hai, iske baare mein hum janenge. Okhla sewage treatment plant is expected to play a major role in the Yamuna cleaning process. जो ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका एक मेजर रोल होगा यमुना क्लीनिंग प्रोसेस में. इट इज लोकेटेड इन दिल्ली. ये आपका लोकेटेड है दिल्ली में. द प्लांट विल बी द लार्जेस्ट वन इन एशिया व्हेन कंप्लीटेड इन दिसंबर दिस ईयर. और ये जो आपका ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये लार्जेस्ट वन हो जाएगा एशिया का जब एक बार ये कम्प्लीट हो जाएगा दिसंबर में इस साल के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल. तो हम जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टर्बो एलएनटी एंड रिन्यू पावर रिन्यू हैव साइंड अ बाइंडिंग टर्म शीट टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर कंपनी टू डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर इन इंडिया. जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टर्बो और रिन्यू पावर है इन्होंने साइन किया है एक बाइंडिंग टर्म शीट को ताकि वो सेटअप कर सके एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी को डेवलप करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को भारत में. The joint venture will aim to supply green hydrogen at an industrial scale. ये जो joint venture होगा इसका मकसद होगा कि ये supply करे green hydrogen को industrial scale में. इसका significance क्या है? India can become a hub for green hydrogen as the country has an internet advantage in the form of abundant renewable energy. India जो है वो एक hub बन जाएगा green hydrogen का country के लिए क्योंकि इसका एक inherent advantage है abundant renewable energy में. India being a tropical country has a significant edge in green hydrogen production due to its favorable geographical condition and abundant natural resources. India जो है वो एक tropical country है इस कारण इसको एक significant edge मिलेगा green hydrogen के production में इसके favorable geographical condition के कारण और जो abundant natural resource available है भारत में इस कारण भी. Producing hydrogen from renewable in India is likely to be cheaper than producing it from natural gas. अब produce करना hydrogen को renewable sources से भारत में ये cheaper होगा produce करने के comparison में नेचुरल गैस से. एफर्ट इन दिस रिगार्ड जो एफर्ट लिया जा रहा है इस रिगार्ड में सेंटर हैज रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन द नेशनल हाइड्रोजन मिशन विच एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू 5 मिलियन मेट्रिक टन बाई 2030 टू मीट अबाउट 40% ऑफ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट. सेंटर ने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस को नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए जिसका मकसद है कि इंक्रीज किया जाए प्रोडक्शन को 5 मिलियन मेट्रिक टन किया जाए 2030 तक ताकि पूरा किया जा सके जो 40% डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको. द सेंटर इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ रूपीज 15,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रोलाइजर. और सेंटर कंसिडर कर रहे एक प्रपोजल को ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके एक रूपीज 15,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को इलेक्ट्रोलाइजर के लिए. In February, the center notified a green hydrogen and green ammonia policy that offers 25 years of free power for any new renewable energy plant set up for green hydrogen production before July 2025. और February में center ने notify किया था एक green hydrogen, green ammonia policy को जो कि offer कर रहा था 25 years free power देगा किसी भी new renewable energy plant को जो कि setup करेगा green hydrogen production को July 2025 के पहले. The government is also planning to introduce mandate requiring that the oil refinery, fertilizer and steel sector procure green hydrogen for a certain proportion of their requirement. अब गवर्नमेंट जो प्लान कर रहा है वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक मैंडेट रिक्वायर को जिसमें जो ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील सेक्टर है वो प्रोक्योर करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में अपने रिक्वायरमेंट के लिए. ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या हम इनको समझेंगे. हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन विच हैज नो कार्बन फुटप्रिंट. हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी का तो उसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं. इसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है. सिग्निफिकेंस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का. ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इज वाइटल फॉर इंडिया टू मीट इट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट एंड इंश्योर रीजनल एंड नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी. ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए पूरा करने के लिए इसके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC टारगेट को और इंश्योर करने के लिए रीजनल और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को एक्सेस को और अवेलेबिलिटी को. ग्रीन हाइड्रोजन कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन विच वुड बी इसेंशियल टू मीट लिमिटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द फ्यूचर. अब ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक्ट कर रहा है एक एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन के तौर पे जो काफी इसेंशियल है पूरा करने के लिए इंटरमिटेंसीज जो है हमारा फ्यूचर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे उसको फुलफिल करने के लिए. अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशन के लिए आइदर अर्बन फ्लाइट मूवमेंट हो सिटीज के अंदर स्टेट के अंदर व पैसेंजर के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको उपयोग किया जा सकता है रेलवे पे भी लार्ज शिप बस ट्रक में भी. एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या एप्लीकेशन है ग्रीन हाइड्रोजन का हम इसको भी कंसिडर करेंगे. ग्रीन केमिकल्स लाइक अमोनिया एंड मिथेनॉल कैन डायरेक्टली बी यूटिलाइज इन एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन लाइक फर्टिलाइजर मोबिलिटी पावर केमिकल शिपिंग एक्सेट्रा. तो ग्रीन केमिकल है जैसे कि अमोनिया मिथेनॉल उसके डायरेक्टली यूटिलाइज किया जा सकेगा एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जैसे फर्टिलाइजर मोबिलिटी पावर केमिकल शिपिंग में.
green hydrogen blending up to 10% may be adopted in CGD network to gain widespread acceptance. और जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग है अप टू 10% तक इसको अडॉप्ट किया जाएगा सीजीटी नेटवर्क में ताकि इसको वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मिले. बेनिफिट इसका क्या है, तो ये क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है जो डिकार्बोनाइज कर रहा है रेंज ऑफ सेक्टर को जिसमें आपका आयरन एंड स्टील केमिकल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी आता है. रिन्यूएबल एनर्जी जो कि स्टोर किया जा सकता है नहीं स्टोर किया जा सकता है वह यूज किया जा सकता है ग्रिड के द्वारा उसको चैनल किया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन को. मतलब आप चैनल करके उससे दूसरा चीज प्रोड्यूस कर लेगा उसका उपयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट. तो जब भी कोई रिपोर्ट आता है तो उसमें रैंकिंग और किसने रिलीज किया इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फोरकास्ट हैज प्रोवाइडेड सम यूजफुल इनसाइट अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ. जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट है उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोरकास्ट किया है बताया है कुछ यूजफुल इनसाइट को इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ को लेकर. एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश ऑन 19 दिसंबर 1966 विच इज हेडक्वार्टर इन फिलीपींस. एडीबी जो है वो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में. तो कब एस्टेब्लिश किया गया था ये इंपॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है. तो इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है. एडीबी इज कमिटेड टू अचीविंग ए प्रोस्पेरस इंक्लूसिव रेसिलेंस एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक वाइल सस्टेनिंग इज एफर्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी. एडीबी कमिटेड है अचीव करने के लिए एक प्रोस्पेरस इंक्लूसिव रेसिलेंस और सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक को जबकि ये सस्टेन करेगा जो इसका एफर्ट है इरेडिकेट करने के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी को. द बैंक एडमिट द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशियन पैसिफिक. और ये जो बैंक है ये एडमिट करते हैं जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक के. एडीबी वॉज मॉडल क्लोजली ऑन द वर्ल्ड बैंक एंड हैज ए सिमिलर वेटेज वोटिंग सिस्टम वेयर वोट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन विद मेंबर कैपिटल सब्सक्रिप्शन. और एडीबी को मॉडल किया गया है काफी क्लोजली वर्ल्ड बैंक के जैसा ही जिसमें सिमिलर वेटेड है वोटिंग सिस्टम का जहां वोट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनके प्रोपोर्शन में मेंबर के कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अनुसार. द प्रेसिडेंट हैज अ टर्म ऑफ ऑफिस लास्टिंग 5 ईयर एंड मे बी रीइलेक्टेड. जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म ऑफ ऑफिस जो 5 साल के लिए और वो रीइलेक्ट हो सकते हैं. ट्रेडिशनली एंड बिकॉज जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक द प्रेसिडेंट हैज ऑलवेज बीन जापानीज. और ट्रेडिशनली और जो जापान है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस बैंक का इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा ही अभी तक जापानीज है. एडीबी इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर और एडीबी जो है वो ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर भी है. हाईलाइट ऑफ द एडीबी आउटलुक रिपोर्ट 2020. जो हाईलाइट है एडीबी आउटलुक रिपोर्ट का हम इसको समझेंगे. इंडिया जीडीपी ग्रोथ विल मॉडरेट टू 7.5% इन 2022-23 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 8.9% इन 2021-22. इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो मॉडरेटली 7.5% रहेगा 2022-23 पे जबकि एस्टिमेट पहले किया गया था कि ये 8.9% होगा 2021-22 पे. इट हैज फैक्टर इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया विच वुड बी लार्जली इनडायरेक्ट थ्रू हायर ऑयल प्राइसेज. ये फैक्टर हो रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के इम्प्लीकेशन के कारण भारत के ऊपर जो कि लार्जली इनडायरेक्ट है हायर ऑयल प्राइसेस के कारण ऐसा होगा. द सिवियरिटी ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक वुड सबसाइड विद अ राइज ऑफ वैक्सीनेशन रेट. जो सिवियरिटी था कोविड 19 पैंडेमिक का वो सबसाइड हो जा रहा है जो राइज हो रहा है वैक्सीनेटिंग रेट का. इस कारण हायर पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जनरेट जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन एंड सस्टेन ग्रोथ. और जो हायर पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी को इंडिया के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्राउड इन करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जनरेट करेगा जॉब को कंस्ट्रक्शन के लिए और सस्टेन करेगा उसके ग्रोथ को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाबू जगजीवन राम. तो हम जानेंगे बाबू जगजीवन राम के बारे में. अभी हाल ही में जो फ्रीडम फाइटर बाबू जगजीवन राम थे उनका 115 वर्ष एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया था. तो कब ऑब्जर्व किया गया था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. हम जानेंगे इनके द्वारा जो काम किया गया है इनके उपलब्धियों को. बाबू जगजीवन राम. जगजीवन राम पॉपुलरली नॉन एज बापू जी वॉज ए नेशनल लीडर अ फ्रीडम फाइटर अ क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस अ चैंपियन ऑफ डिप्रेस क्लास एन आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अ ट्रू डेमोक्रेट अ डिस्टिंग्विश्ड यूनियन मिनिस्टर एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एक्सेप्शनली गिफ्टेड ऑरेटर. जो जगजीवन राम थे उनको पॉपुलरली हम बापू जी के नाम से भी जानते हैं. ये एक नेशनल लीडर थे फ्रीडम फाइटर थे ये क्रूसेडर थे सोशल जस्टिस के लिए चैंपियन थे डिप्रेस क्लास के लिए आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन भी थे ट्रू डेमोक्रेट थे डिस्टिंग्विश्ड यूनियन मिनिस्टर थे एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे साथ साथ एक्सेप्शनली गिफ्टेड ऑरेटर भी थे. जगजीवन राम हैज ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ रविदास सेमिलेंस एंड हैज सेलिब्रेटेड गुरु रविदास जयंती इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कलकत्ता. जगजीवन राम थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बहुत सारा रविदास सम्मेलन को और उन्होंने सेलिब्रेट किया था गुरु रविदास जयंती को अलग अलग एरियाज में कलकत्ता कोलकाता में. इन 1934 ही फाउंडेड दी अखिल भारतीय रविदास महासभा इन कलकत्ता. और बाबू जगजीवन राम ने ही फाउंड किया था अखिल भारतीय रविदास महासभा को कहां पे कलकत्ता पे कब 1934 पे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासिक लीग. अब वो इंस्ट्रूमेंटल थे फाउंडेशन के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग के लिए भी.
In October 1935, Bapuji appeared before the Hammond Commission at Ranchi and demanded for the first time voting right for the Dalit. और October 1935 में बापूजी अपीयर किए थे पहली बार हेमंत कमीशन के पास रांची में और डिमांड किया था इन्होंने पहली बार वोटिंग राइट को दलित के लिए. बाबू जगजीवन राम प्ले वेरी एक्टिव एंड क्रूशियल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल. इंस्पायर बाय गांधी जी, बाबू जी कॉर्टेड अरेस्ट ऑन 10 दिसंबर 1940. आफ्टर हिज रिलीज ही एक्सटेंड हिमसेल्फ डीपली इन टू द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एंड सत्याग्रह. बाबू जगजीवन राम ने प्ले किया था काफी एक्टिव और क्रूशियल रोल फ्रीडम स्ट्रगल पे भी. ये इंस्पायर थे गांधी जी से. बाबू जी ने जब अरेस्ट कर लिया गया था उनको 10 दिसंबर 1940 को, तो उनके रिलीज के बाद उन्होंने इंटरेस्ट किया था खुद को डीपली सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह पे. बाबू जी को अरेस्ट किया गया था 19 अगस्त 1942 पर फिर से उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कि लॉन्च किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा. ही हैज ऑल्सो सर्व एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उन्होंने सर्व किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में भी भारत के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निपा वायरस. तो जानेंगे निपा वायरस के बारे में, हम लोग पहले भी कंसिडर कर रखे इस वायरस के बारे में हम लोगों ने. साइंटिस्ट एट पुणे, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपा वायरस इन्फेक्शन इन 51 बेड दैट वर कैप्चर फ्रॉम कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. साइंटिस्ट जो है पुणे के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के, उन्होंने डिटेक्ट किया है प्रेजेंस आईजीजी एंटीबॉडीज का निपा वायरस के खिलाफ 51 बेड के स्पीसीज में, जिसको कि कैप्चर किया गया है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी से. ये निपा है क्या? इट इज ए जूनोटिक वायरस. इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. ये जूनोटिक वायरस है. जूनोटिक वायरस क्या होता है? ये ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन में. ये जो है पहली बार आपका मलेशिया और सिंगापुर में हुआ था 1998 और 1999 के समय पे. ये पहला बार अपियर हुआ था डोमेस्टिक पिग में और इसको पाया गया था सेवरल स्पीसीज में डोमेस्टिक एनिमल के, जैसे कि डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, शीप में भी देखा गया था. स्प्रेड कैसे करता है ये वायरस? ये वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम एनिमल एंड कैन ऑल्सो बी पास ऑन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट करता है पीपल को एनिमल से और ये पास हो सकता है कॉन्टेमिनेटेड फूड के माध्यम से भी और डायरेक्टली पर्सन से पर्सन भी. फ्रूट बैट आर कंसिडर टू बी ए नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ द वायरस. और जो फ्रूट बैट है उसको कंसिडर किया जाता है कि एक नेचुरल रिजर्वॉयर है वायरस के लिए. सिम्टम्स क्या है इसका? सिम्टम्स में आपको एक्यूट इंसेफेलाइटिस और रेस्पिरेटरी इलनेस का सामना करना पड़ सकता है. प्रिवेंशन क्या है इसका? करेंटली अभी इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, ना ही ह्यूमन के लिए ना ही एनिमल्स के लिए. इंटेंसिव सपोर्ट केयर जो है वही दिया जाता है ह्यूमन जो कि इन्फेक्टेड होते हैं निपा वायरस से उनको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राकृतिक ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. तो जो प्राकृतिक ग्रीन इनिशिएटिव है इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे. एक और स्टेप लेते हुए एलिमिनेट करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया प्रकृति को, जो कि एक मैस्कॉट है. ये स्प्रेड कर रहा है ग्रेटर अवेयरनेस को स्मॉल चेंजेस को लेके, जो कि सस्टेनेबिलिटी अडॉप्ट किया जा सकता है लाइफ स्टाइल में बेटर एनवायरमेंट के लिए. तो किसने लॉन्च किया है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. इस इवेंट के दौरान फॉलोइंग ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. तो कौन कौन से इनिशिएटिव है इसको एक एक करके हम समझेंगे. सबसे पहले था नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. तो हम जानेंगे जो नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है इसके बारे में. इसका मकसद है कि ये कनेक्ट करे सारे स्टेक होल्डर को, जिसमें आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट सब आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो ट्रैक कर सके जो स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस है एलिमिनेशन को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक का और जो इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं प्लास्टिक वेस्ट का, उसको ट्रैक करने के लिए. सेकंड है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग. तो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल होगा प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर, तो ये जो पोर्टल है ये देखेगा जो टास्क दिया गया है, ताकि ये मदद करे ओवरऑल ऑपरेशनल फंक्शन को, जैसे कि इंप्रूव करेगा अकाउंटेबिलिटी को, ट्रेसेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, और फैसिलिटेट करेगा इज को रिपोर्ट के लिए कंपाइलेंस का ईपीआर ऑब्लिगेशन के अनुसार प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर के ऊपर. थर्ड आपका मोबाइल ऐप फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक रिवेंज रिड्रेसल. मोबाइल ऐप की बात कही गई है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक रिवेंज रिड्रेस किया जा सकेगा मोबाइल ऐप के माध्यम से. ये जो ऐप है ये अलो करेगा सिटीजन को कि वो चेक कर सकते हैं सेल, यूजर्स, मैन्युफैक्चरिंग को सिंगल यूज प्लास्टिक का अपने रीजन पे और टैकल कर सकते हैं प्लास्टिक मिनेंस प्रॉब्लम को. मॉनिटरिंग मॉड्यूल फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक. एक मॉनिटरिंग मॉड्यूल होगा सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए. ये जो है लोकल बॉडीज, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीसीसी या सीपीसीबी एक्सेट्रा होंगे, जो इन्वेंट करेंगे डिटेल्स को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन को लेके, इसके सेल और यूजेस को लेके, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्राउंड इन्फोर्समेंट बैन सिंगल यूज प्लास्टिक का, उस सबको देखेंगे. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा ग्राफीन का वेस्ट प्लास्टिक से, तो ये प्रमोट किया जाएगा ज्यादातर इंडस्ट्री को कि वो आगे आए और अपसाइकिल करे प्लास्टिक वेस्ट
देश को एफर्ट बाय गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, जो एफर्ट लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इस रिगार्ड पे टू टैकल द चैलेंज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस इंडिया प्लेस टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022. टैकल करने के लिए जो चैलेंजेस है प्लास्टिक पॉल्यूशन का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था इंडिया का प्लेस को कि वो फेज आउट करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक. इंडिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वर एमेंडेड बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एसयूवीज विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड. और इंडिया का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 का, इसको अमेंड किया गया था जो बैन कर रहा था इंपोर्ट को प्लास्टिक वेस्ट एसयूवी को, जो कि इफेक्टिवली होगा आपका जुलाई 2022 के बाद से. ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक रिफर टू डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक ग्रोसरी बैग, फूड पैकेजिंग बॉटल, स्ट्रॉ दैट आर यूज ओनली वंस बिफोर दे आर थ्रोन अवे और समटाइम्स रिसाइकल. तो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो होता है आपका डिस्पोजेबल आइटम जैसे कि ग्रोसरी बैग, फूड पैकेजिंग बॉटल, स्ट्रॉ, जिसको कि आप एक ही बार यूज करते हैं थ्रो करने के पहले और कभी कभी इसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसी को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं. ये बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट करता है, इसी कारण इसको टैकल करने की बात कही जा रही है. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.